देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कई सुपर एक्सप्रेसवे पर काम किया जा रहा है। इसी के तहत भारत के पूर्वी भाग में 3 मेगा प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे 25,000 करोड़ बजट के साथ 610 किलोमीटर लंबा वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे 28,000 करोड़ से तथा 520 किलोमीटर लंबा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे तथा इस क्षेत्र का सबसे लंबा और बड़ा भारी भरकम बजट वाला लगभग 60,000 करोड़ रुपए से रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे को बनाया जाना है। जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश और ऑसम इंफॉर्मेटिव वीडियो में चर्चा करेंगे रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे। देखेंगे यह एक्सप्रेसवे इतना महत्वपूर्ण क्यों है, रूट अलाइनमेंट्स के साथ करंट स्टेटस पर बात करेंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में, मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको लगातार अपडेट्स मिलने वाला है इस एक्सप्रेसवे का। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक तथा शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कहीं भी अच्छा विकास तभी हो सकता है जहां अच्छा रोड नेटवर्क हो। अगर किसी कंपनी या आदमी को ट्रेवल करना पड़े तो सुगम, जल्दी और कम खर्च में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की कोशिश करेगा वो लोग। कोई भी इंडस्ट्री बिहार या झारखंड में फैक्ट्री लगाती है तो अपने गुड्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए कम समय में नज़दीकी पोर्ट तक या बंदरगाह तक पहुंचना चाहेगा। कई बार मेरे द्वारा पोर्ट्स का नाम लिया जाता है, बंदरगाह का नाम लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जल मार्ग से ट्रांसपोर्टेशन करना सबसे सस्ता होता है। लगभग 60-70% तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है अगर आप जल मार्ग से अपने सामान को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। इसी अवधारणा को समेटे हुए रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे को बनाया जाना है। रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे बिहार में नेपाल बॉर्डर के नज़दीक शहर रक्सौल से शुरू होगा तथा पश्चिम बंगाल में हल्दिया पोर्ट पर ख़त्म। यह एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार तथा नेपाल से आने वाले माल के लिए सीधे पोर्ट तक एक वर्ल्ड क्लास सड़क द्वारा पहुंच प्रदान करेगा। केंद्र सरकार के भारतमाला परियोजना 2 के तहत बनाए जाने वाला यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। भारत सरकार के उपक्रम NHAI द्वारा इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन बनाया जाएगा, कहीं कहीं 4 लेन का भी हो सकता है। लगभग, जैसा कि मैंने पहले बताया, 60,000 करोड़ रुपए से निर्माण होने वाले रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे को EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पे बनाया जाएगा। यह आधारित होगा इसी मॉडल पर। 120 किलोमीटर स्पीड लिमिट के डिज़ाइन के साथ बनने वाला यह एक्सप्रेसवे पूर्णतः एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका एक रूट अलाइनमेंट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे 3 राज्य बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में बनेगा। अब देखते हैं बिहार में इसका रूट अलाइनमेंट क्या है। तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार में रक्सौल से शुरू होकर फिर पूर्वी चंपारण होते हुए शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, सूर्यगढ़ा, चिरियांडी होते हुए बांका में कटोरिया तक जाएगा। लखीसराय और जमुई से भी होते हुए ये क्रॉस करेगी। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के आधे से ज़्यादा हिस्सा बिहार में बनाया जाएगा। लगभग 360 किलोमीटर का हिस्सा बिहार में बनाया जाएगा। बिहार से निकलने के बाद यह एक्सप्रेसवे झारखंड में देवघर से होते हुए नागपुर होते हुए धोरमारा होते हुए सनराइटी होते हुए जामतारा होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे चूंकि देवघर होते हुए गुजरेगा, अतः यह धर्मार्थी पर्यटक के लिए बिहार से कुछ ही घंटों में देवघर तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। साथ ही पटना देवघर की दूरी मात्र 3 घंटे में किया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 60 किलोमीटर का हिस्सा देवघर में बनाया जाएगा तथा 50 किलोमीटर का हिस्सा जामतारा में बनाया जाना है। झारखंड के बाद यह एक्सप्रेसवे कुंचित होते हुए बोलपुर, आरामबाग, राजहटी, पूर्वी मिदनापुर होते हुए हल्दिया पोर्ट पर
खत्म होगा। हल्दिया पोर्ट का एक ऑफिशियली नेम हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में HDC कहते हैं। इसका लोकेशन हल्दी और हुगली नदी के संगम को कहा जाता है। नेपाल जाने वाले अधिकांश कार्गो ट्रेड यहीं से होता है, जो नंबर में 49.54 यानी कि लगभग 50 मिलियन मैट्रिक टन। यह पोर्ट ईस्ट तथा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ सेंट्रल इंडिया का भी बहुत बड़ा ट्रेड गेटवे बंदरगाह है। कोई भी सीधा और विश्वस्तरीय हाईवे नहीं रहने के कारण रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है इसको निर्माण करना। रूट अलाइनमेंट के बाद चलिए देखते हैं रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का करंट स्टेटस। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का DPR बनाया जा रहा है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का DPR बनाने के लिए 13 डिजाइन तथा इंजीनियरिंग फर्म द्वारा बिड सबमिट किया गया, लेकिन आपको अपडेट कर दूं, यह बिड सबमिट भी लगभग 2 साल पहले किया जा चुका है। फिलहाल DPR बनाने वाली कंपनी का नाम का घोषणा नहीं किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर इन सारे बिड सबमिट करने वाले कंपनी का नाम देख सकते हैं। इन सारे कंपनी में से जो सबसे कम टेंडर रकम में DPR बनाएगी उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। हालांकि NHAI द्वारा सारे कंपनी का बैकग्राउंड भी चेक किया जाना है। इस बिड्स लगाने वाले कंपनी में दो कंपनी का नाम आप सबको पता ही होगा, LN मालवीय इंफ्रास्टेक जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का DPR बना रही है, और दूसरा है SA इंफ्रास्ट्रक्चर जो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का DPR बना चुकी है। मेरे द्वारा RTI द्वारा कई सवाल इस सुपर एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा जाना है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारा अपडेट्स मिलने वाला है भविष्य में। वीडियो में गांव स्तर तक का रूट अलाइनमेंट आप लोग को सबसे पहले मिलेगा, जैसे ही NHAI द्वारा 3A नोटिफिकेशन के साथ गजट प्रकाशित किया जाएगा। चैनल पर बने रहना अति आवश्यक है। अगर इस एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट की बात किया जाए तो वर्तमान केंद्र सरकार के बनते ही बिहार में दो एक्सप्रेसवे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे तथा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के 100 किलोमीटर के हिस्से को का DPR बनाने के लिए संबंधित एजेंसी NHAI को बोला गया है। सबसे पहले 100 किलोमीटर बनेगा, लेकिन इसमें यह निर्णय नहीं किया गया है जो 100 किलोमीटर किस डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि शुरू में, बीच में, लास्ट में किस जिला में बनेगा। जैसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है आपको अपडेट करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हालांकि आप इस न्यूज़ में बॉक्स में एक रूट मैप भी दिया हुआ है, ऑफिशियल रूट मैप कितना है ये नहीं पता, लेकिन ऑफिशियल रूट मैप दिया हुआ है यहाँ पे। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।